Kadambani Children's Academy, CBSE affiliated High Tech Education Center, Indira Nagar, Ujjain. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालफिया। उज्जैन आज में आपका स्वागत है। विनोद मिल की चाल के रहवासियों ने विधायक पारस जैन के घर का घेराव कर दिया है। अपने आशियाने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे 126 परिवार के सदस्यों को धरने से उठाने में प्रशासन को पसीना आ गया। विनोद मिल की चाल में रहने वाले रहवासियों ने रविवार सुबह विधायक पारस जैन के निवास का घेराव कर दिया। रहवासियों के मकान तोड़े जाना है, जिसको लेकर वह आशियाने बचाने की एक माह से लड़ाई लड़ रहे हैं। रहवासियों ने उच्च न्यायालय से लेकर कई जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें आश्वासन ही मिला है। विनोद मिल की भूमि शासन द्वारा लीज पर दी गई थी। मिल बंद होने के बाद कई मजदूरों ने भूमि पर अपने मकान बना लिए थे। वर्षों से मकान में रह रहे रहवासी पिछले एक माह से अपने आशियानों के टूटने को लेकर चिंतित हैं। उच्च न्यायालय ने आशियानों को तोड़कर मलबा और भूमि बेचकर मिल मजदूरों को पैसा देने के आदेश जारी किए हैं, जिसको लेकर चाल में रहने वाले 126 परिवार के 1000 से अधिक सदस्य अपने आशियानों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। रहवासियों ने भाजपा विधायक पारस जैन के निवास का घेराव कर दिया और धरना देकर बैठ गए। लेकिन आपकी चीज है अगर, तो आप एक्शन ले सकते हो उस पर। ऐसे कैसे नहीं, तो आप उनको कैसे बेगर ही कर रहे हो? मतलब नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना, ये कोर्ट के डिसीजन में कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको जो सही बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, अब आज पर जो है 15 तारीख को आ रहे हैं। मैं कोशिश ऐसी करूँगा कि सीएम से टाइम लेके आपको मिला, मैं जितना कर सकता हूँ। विधायक जैन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा करेंगे। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के उज्जैन आने पर रहवासियों को मिलवाने की बात भी विधायक ने कही है, लेकिन रहवासी उनकी बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने धरना दे दिया, जिसके चलते विधायक कार में सवार होकर निवास से रवाना हो गए। दोपहर तक रहवासी धरने पर बैठे थे। रहवासी अपनी गिरफ्तारी देने को भी तैयार थे। विधायक आवास का घेराव होने की सूचना मिलने पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने रहवासियों को समझाने का प्रयास किया और गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। हम ये चाहते हैं कि सर, हमारे मकान टूटने वाले और हम सब बीपीएल वाले हैं। शिवराज चौहान ने घोषणा की थी यहाँ पे, जब नगर निगम के चुनाव आए थे, दो बार आए थे, बोले जो जहाँ रह रहा है उसका मकान नहीं टूटेगा। और हम दो महीने से चक्कर लगा रहे हैं। इनके पास भी दिवाली के दो चार दिन पहले आए थे, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा और आज कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके साथ में सब कुछ, हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमारा बात हो और हमें आश्वासन दिया जाए कि लिखित में दिया जाए कि मकान नहीं टूटे। हम और कुछ नहीं चाह रहे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या भी करेंगे। अगर पुलिस हमें बंद करेगी, मार भी खाएंगे, जेल में भी जाएंगे। 15 तारीख को डिसीजन आने वाला था, तो उसके पहले हम लोग सब पारस जैन साहब कहने आए थे, उनसे बातचीत करी कि हमारे को शिवराज सिंह चौहान से मिलवा दो या फोन लगवा दो। तो उन्होंने बताया कि 15 तारीख आए कि 11 बजे फैसला जाएगा, तो उसके पहले हमें मिलवाओ। तो इसलिए धरने पे सब लोग भिड़ने के, पारस जी बताएंगे, पारस जी साल निकालेंगे, क्योंकि विधायक हमारे पारस जी हैं यहाँ के, है ना। हर साल हम हर बार उनको जिताते हैं यहाँ से, है ना। मैं भी पार्षद वहीं का ही, कम से कम 150 परिवार प्रभावित हो। नहीं, पहले भी ये लोग आए थे, इनने मुझे ज्ञापन दिया था, वो ज्ञापन मैंने मुख्यमंत्री जी को भी भिजवा दिया था, कलेक्टर से भी बात की। अभी इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। 15 तारीख को किसान सम्मेलन है, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि आप दर्जने की लिस्ट दे दो, आपको हम हेलीपैड पे मिलवा देंगे, ये मेरी बातचीत हुई। अब वो लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका मंशा ये है कि विनोद मिल पैसा, तो विनोद मिल का जो पैसा है, पैसा तो सरकार देना चाहती है, उसके आदेश भी हैं कि कोर्ट बेच के, जमीन बेच के पैसा देगी। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि ये जहाँ दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि जमीन हमको मिल जाए। तो यदि इसके लिए तो मुख्यमंत्री ही निर्णय ले सकते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है, वो 15 तारीख को मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं तो मैं इनको मिलाने का प्रयास करूंगा। अभी एडीएम से भी मेरी बातचीत हुई कि हम मिला देंगे, कलेक्टर से मेरी बात होना बाकी है। और यदि 10 जने के नाम देंगे तो जो कार्यक्रम में आने वाले, उसके पहले हम इनकी मुलाकात करा देंगे। मैं भी चाहता हूं कि विनोद मिल का मामला है, सरकार की नीति भी है,
प्रधानमंत्री की नीति है, मुख्यमंत्री की नीति है कि किसी भी आदमी को बेघर बार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ताकायमी की जमीन है, मिल की जमीन है, उसका निर्णय कोर्ट ने पहले ले चुकी, अब निर्णय जो है मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं उनसे मैं बात करके इनको बता सकता। रहवासियों ने इंदौर हाई कोर्ट में निर्णय को लेकर डबल बेंच में याचिका लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। 15 दिसंबर को निर्णय आना है, उसके बाद प्रशासन द्वारा विनोद मिल की चाल में बने मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगी, जिसके चलते रहवासियों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। रहवासियों का कहना था कि उन्होंने सुसनेर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने बाद में बात करने का कहा था। स्थानीय स्तर पर भाजपा के दोनों विधायकों से मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी अब तक उनकी मदद के लिए कोई बड़ा आश्वासन नहीं दिया है। आशियाने बचाने के लिए क्षेत्र के रहवासी पिछले एक माह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी लंबी लड़ाई के बाद भी अब तक हल नहीं निकला है। जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद रहवासियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन निर्णय को लेकर वह कुछ भी करने और बोलने की स्थिति में नहीं है। 29 साल पहले बंद हुई कपड़ा बनाने वाली विनोद मिल की 1,09,81 वर्ग फीट जमीन पर बने मजदूरों के आवास जल्द तोड़े जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने करीब 20 महीने पहले एक याचिका पर फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार 2 साल के भीतर विनोद विमल मिल की जमीन बेचकर श्रमिकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान 4% ब्याज के साथ करे। फैसले के बाद श्रमिकों को 57 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलना तय हुआ था। मिल की जमीन की कीमत 9 अरब रुपए आंकी गई थी। कार्रवाई स्वरूप जमीन पर तना भूपेंद्र भवन, सोसाइटी ऑफिस, मुख्य द्वार, विनोद आश्रम, विनोद भवन, तेज भवन, अटाला रूम, गेस्ट हाउस, टीन शेड, छोटी बड़ी चाल, स्वीपर्स क्वार्टर, दीपालय, विनोदालय, व्हाइट हाउस और ब्रिज के पास बने जर्जर भवन अवशेषों को यथास्थित नीलाम करने को निविदा आमंत्रित की है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी अमरेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों के आश्वासन के बाद रहवासियों ने देखिए जैसा आपको विदित थे कि जो मिल के जो लोग रहवासी है वो आ जाते थे, उनकी एक मुख्य मांग यही है कि वो जहां रह रहे हैं वहां से डिस्प्लेसेस ना हो, क्योंकि न्यायालय में लिटिगेशन चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में उनका प्रकरण चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी बातें होंगी वो पॉलिसी मैटर के तहत आती है। शाम को हमने सभी भाई बहनों से अनुरोध किया है कि हम शाम को माननीय कलेक्टर महोदय से उनकी मुलाकात कराएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और बातचीत के बाद में जो सुटेबल डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग सीएम साहब से मिलवा जाएगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाना हमारा काम है, वो हम उसको मिलवाएंगे।